आपका क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर विद साइड्स क्यू आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री. देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हूज साइड्स आर 3/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. तो देखो इसने मेजर्स क्या दिया है जो हमको ट्रायंगल बनाना है. ओरिजिनल ट्रायंगल क्या दिया है देखो, पी क्यू इज 7 सेंटीमीटर, नेक्स्ट पी क्यू आर इज 7, पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर और ये देखिए एंगल भी दिया है दैट इज योर क्यू एंगल इज 60 डिग्री. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, पहले वी विल मेक क्यू आर. ठीक है, पी क्यू नहीं बनाएंगे, क्यू आर बनाएंगे क्योंकि क्यू इज 60 डिग्री, तो क्यू आर इज 7 सेंटीमीटर. तो आपको स्केल लेना है और एक लाइन सेगमेंट बनाना है लाइक दिस. ठीक है, तो दिस इज योर 7 सेंटीमीटर, दिस इज योर क्यू एंड आर. फिर आपको क्या करना है, एंगल बनाना है 60 डिग्री एट क्यू. देखो सेंटर में क्यू है दैट मींस यहां पर आपको 60 डिग्री बनाना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक आर्क बनाएंगे फ्रॉम क्यू, टेक एनी मेजरमेंट ऑन कंपास, कोई भी मेजरमेंट, और एक आर्क बनाओगे लाइक दिस. ठीक है, हाफ से ज्यादा. फिर आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट में सेम मेजरमेंट टच चेंज नहीं करना है, यहां रख के यू हैव टू मेक एन आर्क लाइक दिस. अब आपको क्या करना है, क्यू और दिस ये पॉइंट, यहां से आपको एक लाइन खींचनी है लाइक दिस. तो दिस इज योर एक्स नाउ. ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरा मेजरमेंट सेट करना है ऑन कंपास विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, स्केल की मदद से. क्या है वो, दैट इज 6 सेंटीमीटर. और देखो पी क्यू दिया है तो वी विल कट फ्रॉम क्यू, 6 सेंटीमीटर हम कट करेंगे. तो ये आपका देखो कहां पर आएगा, इट विल कम एट यहां पर. तो दिस इज योर 6 सेंटीमीटर. तो दिस पॉइंट इज योर पी नाउ. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको और इसको ज्वाइन करना है पी एंड आर को. ज्वाइन कर लिया, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, वी हैव टू मेक एन एक्यूट एंगल फ्रॉम क्यू. तो दिस इज योर वाई नाउ और ये एंगल हमारा कितना बना था, 60 डिग्री. अब आपको क्या करना है, देखो इसने क्या दिया है, 3/5, तो कौन सा बड़ा है उसमें, 5. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे उसमें, 3/5 को अगर डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.6. दैट मींस 0.6 इज लेस देन 1. तो हमारा जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, इससे छोटा बनेगा. दिस इज 1, इससे छोटा बनेगा. तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, कंपास के ऊपर टेक एनी मेजरमेंट और उसको ये जो लाइन है हमारी क्यू एंड वाई को, इसको कट करना है इन कितने पार्ट्स में. देखो क्या है, मैक्सिमम इज 5, तो 5 पार्ट्स में हम उसको कट करेंगे. तो हमने यहां पर फर्स्ट कट किया, दिस इज योर क्यू वन. सेकेंड फ्रॉम क्यू वन को, क्यू वन से हमने इधर कट किया, दिस इज योर क्यू टू. फिर इसको कट किया, दिस इज योर क्यू थ्री. फिर इसको कट किया, दिस इज योर क्यू फोर. नेक्स्ट इज योर क्यू फाइव. अब आपको क्या करना है, क्यू फाइव एंड आर को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. नेक्स्ट देखो कंपास हमारे हाथ में ही है, हमने अभी उसको डिस्टर्ब नहीं किया. अब आपको क्या करना है, आर्क बनाने हैं.
कहां से? Q1 से। अगर आपने उसको एडजस्ट नहीं किया है, चेंज नहीं किया है, तो इट विल स्टार्ट विथ हियर, आपका ऐसे स्टार्ट होगा जो आपका Q4 को टच करेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, 3, तो Q3 से भी हम एक आर्क बनाएंगे, वो आपका ऐसे आएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कंपास के ऊपर एक मेजरमेंट सेट करना है, दैट मेजरमेंट इज फ्रॉम हियर टू हियर, ये वाला, और Q2 में रख के यू हैव टू मेक एन आर्क लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, Q3 और ये जो पॉइंट है, यहां से एक लाइन सेगमेंट बनाना है जो आपका क्यू एंड आर को टच करेगा, लाइक दिस। दिस पॉइंट इज योर R1, ठीक है। अब जो हमने यहां पर किया है, सेम थिंग वी विल रिपीट एट पॉइंट R and R1। तो फर्स्ट वी विल मेक अ आर्क, फ्रॉम R से एक आपको आर्क बनाना है, एट द सेम टाइम सेम मेजरमेंट का आपको यहां पर भी बनाना है। नाउ अब आपको कंपास लेना है और ये वाला मेजरमेंट उसके ऊपर सेट करना है, दिस मेजरमेंट। सेट करने के बाद इस पॉइंट से आपको यू हैव टू मेक एन आर्क, तो दिस आर्क विल बी लाइक दिस। अब आपको R1 और ये इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनाना है जो आपका Q एंड P को टच करेगा, तो इट विल कम लाइक दिस। तो दिस पॉइंट इज योर P1 पॉइंट। तो नाउ वी कैन राइट इट एज व्हाट, 3/5 ऑफ ट्रायंगल P, क्या था आपका PQR। तो नाउ लेकिन हमारा ट्रायंगल यहां से हम इसको शुरू करेंगे, या यहां से शुरू करो, PQR दैट इज इक्वल टू ट्रायंगल, क्या है हमारा, P1 Q एंड R1। तो इस तरह से आपको इसको बनाना है।